सब्सक्राइब कीजिए आओ घर सजाएं चैनल को, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम अपने चैनल में आपके लिए देखिए एक और न्यू डिज़ाइन डोरमेट लेकर आए हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पे दो कलर लिए हुए हैं और इसको बनाने के लिए 8 नंबर की सिलाई ली हूँ। आज जो डोरमेट बना रही हूँ बहुत ही इजी है और बहुत ही जल्दी बन के कम्प्लीट हो जाता है। अगर आप बिगनर हैं तो भी आप इसको बनाकर कम्प्लीट कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम अपनी सिलाई पर फंदे डालेंगे ऐसे, और मैं यहाँ पे 20 फंदे डालूँगी। आप जितना भी बड़ा बनाएंगे उसके हिसाब से इसमें फंदे डाल लीजिएगा। आप 20 फंदों का, 30 फंदों का, 40 फंदों का, जितना भी बड़ा बनाएंगी उसके हिसाब से यहाँ पे फंदे डालिए। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे 20 फंदे डालकर कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखिएगा, हमने यहाँ पर 20 फंदे डाल लिए हैं। ये हमारी पहली सिलाई है और पहली सिलाई से हमने यहाँ पे अपनी डिज़ाइन डालना शुरू करना है। देखिएगा, सिलाई को हमने इस तरीके से सीधा डाला और एक अपने इसको धागे को हमने ऐसे लिया और अपने सिलाई पे ऐसे अंटा लगाते हुए एक फंदे को बढ़ा लिया ऐसे। देखिएगा, बाकी सारे फंदे हैं उनको हमने इसी तरीके से बनाते हुए कंप्लीट कर लेना है। और पूरी सिलाई को एंड तक हम ऐसे ही बनाएंगे। तो देखिएगा, ये हमारी पहली सिलाई बनकर कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसकी सीधी साइड में हैं और फिर से हमने क्या करना है, अपनी सिलाई को देखिए इस तरीके से सीधा डाला और अपने पास जो कपड़ा है उसको ऐसे अंटा लगाते हुए ऊपर से नीचे की साइड में लेते जाएंगे और ये दूसरा फंदा बढ़ गया, यानी कि दोनों साइड से हमने अभी एक एक फंदा बढ़ा लिया। और पूरे फंदों को इसी तरीके से सीधा बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे एंड तक। अब देखिएगा, दूसरी सिलाई भी बन चुकी है। अब हम इसकी तीसरी सिलाई पर फिर से अपनी सिलाई को हमने इस तरीके से सीधे में ऐसे डाला और अपने धागे को सिलाई के ऊपर से लिया और ये तीसरा फंदा बढ़ा लिया है। और पूरी सिलाई को हमने ऐसे ही बनाते हुए एंड तक कंप्लीट कर लेना है। अब देखिएगा, फिर से यहाँ से ये हमारा चौथा फंदा बढ़ेगा यहाँ से ऐसे, यानी कि हमारे दोनों साइड से हमने दो दो फंदे बढ़ा लिए। ऐसे ही करते हुए हमने यहाँ दोनों साइड से 5-5 फंदे बढ़ाकर कंप्लीट कर लेने हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताए हुए थे बढ़ाना किस तरीके से है, वैसे ही आप दोनों तरीके तरफ से यहाँ से 5-5 फंदे बढ़ा लीजिएगा। तो इतना हम कर लेते हैं, उसके बाद आगे बताएंगे। तो देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ हमने दोनों साइड से 5-5 फंदे अपने बढ़ा लिए हैं। तो इसका देखिए शेप कुछ इस तरीके से आ गया है और इसमें 5 रो बन के कम्प्लीट हुई हैं। यहाँ पे 1, 2, 3, 4 और ये 5 टोटल हमारे यहाँ पे 20 फंदे हमने जो डाले हुए थे, अब यहाँ पे 30 फंदे हो गए, यानी कि 30 फंदे हो गए। 20 फंदे हमने डाले हुए थे, 5 फंदे इधर से बढ़ाए और 5 फंदे इधर से बढ़ाए, तो टोटल हमारे पास में यहाँ पर 30 फंदे हो गए हैं। अब हमने यहाँ से क्या करना है, रॉन्ग साइड है, यहाँ से हमें अपना कलर चेंज करना है। देखिएगा, यहाँ से हम अपना दूसरा कलर लगाएंगे। देखिएगा, जब हम अपना दूसरा कलर लगाएंगे तब क्या करेंगे, इस वाले कलर को हम कट कर देंगे और दूसरे कलर को इसमें ऐसे लगाते हुए, देखिएगा पट्टी को थोड़ा सा ऐसे चौड़ा करेंगे और इसको इसके साथ में ऐसे करते हुए लपेट लेंगे। देखिए, और अब हमने कोई फंदा नहीं बढ़ाना है, पूरी सिलाई को ऐसे ही हमें उल्टा बनाते हुए कंप्लीट कर लेना है। एक बार और देखिए, इस पट्टी को चौड़ा करेंगे और इसके साथ में ऐसे इसको लपेटते हुए हमने ये फंदे को बना लेना है। ये देखिए ऐसे पूरी सिलाई को हमने पूरा ऐसे ही उल्टा उल्टा बनाकर कंप्लीट कर लेना है।
अगर आप दोनों साइड से सीधा सीधा बना रहे हैं तो आप सीधा सीधा ही बनाइएगा, और अगर आप उल्टा उल्टा बना रहे हैं तो ऐसे ही बनाकर कंप्लीट करिएगा। अगर आप सीधा सीधा भी बना रहे हैं तब भी ये आपकी ऐसे ही डिज़ाइन बन के कम्प्लीट आई होगी। तो ऐसे हम इसको पूरा एंड तक बना लेते हैं। तो देखिएगा ऐसे ही हम इसको पूरा एंड तक बना लेंगे। अभी हमने कोई फंदा ना घटाया है ना बढ़ाया है, पूरी सिलाई को जॉइंट करने के बाद में ऐसे ही बनाई हुई है। तो एक सिलाई ये कंप्लीट हो चुकी है। आप देखिएगा इसकी राइट साइड में है हम, अभी भी हमने कोई फंदा घटाना बढ़ाना नहीं है, ऐसे ही पूरी सिलाई को एंड तक बना लेना है। यानी कि दो सिलाइयाँ हमने ऐसे ही बनानी है। तो इसको भी पूरा एंड तक ऐसे ही बना लेते हैं। अब देखिए कलर जॉइंट करने के बाद की ये हमारी तीसरी सिलाई है। अब हमने क्या करना है, इस तरीके से अपनी सिलाई पे हमने दो फंदे लेना है ऐसे, और दो फंदों का एक फंदा बनाना है। ये देखिएगा दो फंदों का एक फंदा बन गया, बाकी जो फंदे हैं उनको ऐसे ही उल्टा बनाते हुए कंप्लीट कर लेना है। ऐसी सिलाई को हम लास्ट तक बना लेते हैं। तो देखिएगा ये पूरी सिलाई बन गई है। यहाँ पे हमने दो फंदे का एक फंदा किया हुआ था, फिर से हमें यहाँ पे दो फंदों का एक फंदा करना है। ये देखिएगा दो फंदों का अपनी सिलाई पर लिया इस तरीके से, और ये दो फंदों का एक फंदा बना दिया। बाकी फंदों को ऐसे ही उल्टा बनाते हुए कंप्लीट कर लेना है। यानी कि हमने दोनों साइड से पांच पांच फंदे बढ़ाए हुए थे, उसी तरीके से हमें दोनों साइड से पांच पांच फंदे कम कर देने हैं। जैसे कि हमने अभी दोनों साइड से एक एक फंदा कम किया हुआ दो फंदों का, यहाँ पे देखिएगा ऐसे ही हम इसे बना लेते हैं। दोनों साइड से हमें फंदे कम करेंगे। एक बार और बता देती हूँ आपको किस तरीके से। देखिएगा यहाँ से हमने ये दो फंदे अपनी सिलाई पर लिए, ये हमारा तीसरा फंदा कम हो रहा है। दो फंदे हमने अपनी सिलाई पर लिए और इनको दो फंदों का एक फंदा बना देना है इस तरीके से। तो ये कम हो गए हैं, तो ऐसे ही करते हुए हमें बाकी फंदे भी कम कर लेने हैं। तो देखिएगा फ्रेंड्स हमने दोनों साइड से अपने पांच पांच फंदे कम कर लिए हैं, और ये हमारे पास टोटल यहाँ पे हमने जैसे कि 20 फंदे डाले हुए थे, 20 ही फंदे हमारे पास यहाँ पे बचे हुए हैं, बाकी हमने यहाँ पे घटा दिए हैं। अब हम यहाँ से अगला कलर लगाएंगे। अगर आपके पास में दो ही कलर हैं तो आप इस वाले कलर को ऊपर की साइड लगाइए। अगर आप इससे और भी आपके पास छोटे छोटे पीसेस हैं, आप कलर कलर का बनाना चाहते हैं, तो यहाँ से आप तीसरा कलर जो भी है वो लगाइएगा। तो यहाँ से हम अपना कलर लगाते हैं। अब देखिएगा यहाँ से हम अपना तीसरा कलर लगाएंगे। इस बार जो कलर लगा रहे हैं उसकी पट्टी को ऐसे हम पहले चौड़ा सा कर लेंगे, और इसके अंदर ऐसे इसको लेते हुए इसको ऐसे देखिए इसके अंदर ही पूरा कवर कर लेंगे इस तरीके से, और ये एक फंदा बन गया। अभी हमने ना कोई फंदा घटाया है और ना ही कोई फंदा बढ़ाया है, इसको सीधा ऐसे ही बनाया है। देखिएगा इस तरीके से इस सिलाई को हम पूरा एंड तक ऐसे ही बनाएंगे। देखिएगा कलर जॉइंट करने के बाद में एक सिलाई बन चुकी है, और दूसरी सिलाई भी हम इसको ऐसे ही बनाएंगे, ना कोई फंदा घटाएंगे और ना कोई फंदा बढ़ाएंगे। तो इस सिलाई को पूरा हमने ऐसे ही सीधा सीधा बनाते हुए कंप्लीट कर लेना है। पूरा इसको भी हम ऐसे ही बना लेते हैं। अब देखिएगा ये हमारी तीसरी सिलाई है। फिर से हमने यहाँ पे
फंदा बढ़ाना है इस तरीके से, जैसे कि हमने नीचे बढ़ाए हुए था वैसे ही हमें फंदे यहाँ पे बढ़ाना है। ये देखिए एक फंदा बढ़ चुका है और बाकी फंदों को ऐसे उल्टा बनाते हुए कंप्लीट कर देना है। ऐसे एक एक फंदा करते हुए हमने दोनों साइड से पांच फंदे बढ़ाना है जैसे कि हमने यहाँ पे बढ़ाए हुए थे। फिर एक सिलाई को हमें बिल्कुल ऐसे ही बनाना है, जब हम कलर जॉइंट करेंगे तो दोनों साइड से हमको ना कोई फंदा घटाना है ना कोई फंदा बढ़ाना है, एक ये दो सिलाइयाँ हमने ऐसे ही बनाकर कंप्लीट कर लेनी है। फिर उसके बाद में ये देखिएगा यहाँ से एक फंदा हमने घटाया, यहाँ से भी एक फंदा घटाया, फिर यहाँ से एक फंदा घटाया, फिर यहाँ से एक फंदा घटाया। जिस तरीके से हमने पाँच फंदे बढ़ाए हुए थे वैसे ही हमने यहाँ पर पाँच फंदे घटा दिए। ऐसे ही हमने यहाँ पर ये वाली कली में भी बना कर कंप्लीट करना है। बाकी कलियाँ भी हम ऐसे ही बनाएंगे जैसे कि हमने ये बनाई हुई है। तो देखिएगा फ्रेंड्स इस तरीके से ये बनके कंप्लीट हुआ है। और आपको जितना भी बड़ा बनाना है और जितना भी चौड़ा बनाना है उसके हिसाब से आप नीचे से ही फंदे डालिएगा और जितनी कली आपको बनाकर यहाँ पे कंप्लीट करनी है उतनी आप बनाइए। मैंने यहाँ पे तीन इसके डिब्बे बनाए हुए हैं, आपको जितना बड़ा बना उनके हिसाब से इनके ब्रैकेट बनाइएगा आप। तो देखिएगा मैंने यहाँ से 20 फंदे से शुरू किया हुआ था, अगर आप बड़ा बनाएंगे तो आप 40 फंदे से शुरू करिएगा। और यहाँ पे जो मैंने यहाँ पाँच पाँच फंदे कम किए थे 20 फंदे के हिसाब से, अगर आप 40 का बनाएंगे तो आप यहाँ पे देखिएगा 10 फंदे बढ़ाइएगा पहले और फिर यहाँ पे ये 10 फंदे घटाइएगा। तो इस तरह से आपका सेप बहुत ही अच्छा आएगा और बन के कम्प्लीट भी हो जाएगा। सो फ्रेंड अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, जब तक के लिए बाय बाय।